हाँ जी सत श्री अकाल जी, मेरा नाम कोमल ते मैं 30 ईयर्स ओल्ड हैं ते मैं कैनेडा तो आई हाँ इतने अपनी सर्जरी के लिए। मेन रीज़न यह सीगा कि मेरे अजे सिर्फ एक बेबी है 3 साल का ते मैं लास्ट ईयर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम आ गई ते फाइब्रॉइड का जिहड़ा साइज़ सीगा वह बहुत वड्डा सीगा। असी कैनेडा बहुत डॉक्टर नाल स्पैशलिस्ट नाल नू मिले ते बट सारे सानू एक सजेशन देंदे सीगे कि थोनू यूट्रस रिमूव करनी पैनी है, पर यूट्रस असी रिमूव अजे करवा नहीं सकते सीगे। उहदे दो रीज़न सीगे, एक तो मेरी एज बहुत छोटी सीगी ते दूजा ये सीगा कि साडी फैमिली अजे कंप्लीट नहीं सीगी। ते उस तो बाद जब सानू उत्थे कोई सोल्यूशन मिलिया नहीं फिर असी, क्योंकि मैं इंडिया तो मैं खन्ने तो बिलोंग करती हाँ, फिर मैं ते मेरे हसबेंड ने असी इंडिया बहुत सर्च की बेस्ट टू बेस्ट सर्जन, फिर असी इंडिया आए ते सानू असी सोचा कि लुधियाना बेस्ट सिटी है, बहुत अच्छे सर्जन ने, तो असी उत्थे डॉक्टर नाल गल की ते ओ सानू कहंदे भी ठीक है, असी क्या भी सानू ओपन सर्जरी नहीं चाहिए ते यूट्रस में भी नहीं रिमूव करनी, तुहानू लैप्रोस्कोपिक चाहिए है। उन्होंने सानू कहा कि ठीक है हाँ जी थोड़ी लैप्रो नाल थोड़ा कर देंगे ट्रीटमेंट, बट सब कुछ हो गया, सारे टेस्ट वगैरह हो गए ते मैनू एडमिट भी कर लिया सर्जरी लिए, बट एट ए मोमेंट ते आके उन्होंने सानू कहा कि नहीं 5% चांसिज ने कि थोड़ी ओपन सर्जरी हो सकती है। तो उस टाइम असी बहुत प्रॉब्लम च आ गए सी कि यही तो रीज़न सीगा कि असी ओपन नहीं करवानी, तो असी उस टाइम उतों डिस्चार्ज होए ते असी फिर सर्च करना स्टार्ट किया कि होर बेस्ट सर्जन सानू मिले। तो फिर उदों मेरे हसबेंड नू असी गूगल पर चैक किया तो बेस्ट सर्जन सब तो फस्ट पॉइंट पर डॉक्टर अमित सूद का नेम सीगा। असी रिव्यू चैक किए, उन्होंने टेस्टिमोनियल्स देखे, तो फिर असी उन्होंने मेन ब्रांच जी मोगा च है उत्थे कॉन्टैक्ट किया कि डॉक्टर साहब सानू अज दे अज मिल सकते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि उनकी वेटिंग बहुत चलती है, बट असी कहे कि बहुत एमरजेंसी केस है ओके। फिर असी उन्होंने को ऑन द स्पॉट उत्थे गए तो डॉक्टर अमित सूद नू मिले तो पूरा केस अपना डिस्कस किया। तो डॉक्टर ने उदों सानू एक होप दी कि नहीं मैं 200% गरंटी लैंदा कि थोड़ा लैप्रोस्कोपिक ही होगा। असी फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुसी मेरे को आए हो तो मेरे ते फेथ रखो कि थोड़ी कोई ओपन सर्जरी नहीं होगी। जिवें मेरे फाइबर का साइज बहुत वड्डा सीगा, सारे ने सानू रिजैक्ट कर दिता सीगा, बट डॉक्टर सर ने एक होप क्रिएट की एंड मेरा ओपरेशन सक्सैसफुली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नाल कीता ते हुण मैं बिल्कुल ठीक है ते मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी डेली रूटीन का सब कुछ कर रही। मैं अपनी सर्जरी तो हूँ बहुत खुश हाँ, जिहड़ी कि मैं पहला बहुत ज़्यादा नर्वस सीगी, बट जिवें सर ने मेरी लैप्रोस्कोपिक नाल सर्जरी की है तो मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता लगे, कोई मैंने स्पाइनल इंजैक्शन नहीं दिता, जस्ट नॉर्मल एंथीजिया दिता, तो मैंने कुछ नहीं पता लग्या कदों मेरी सर्जरी होगी, कदों मैं रिकवरी च आ गई। बिल्कुल नॉर्मल सीगी, जिवें नॉर्मल गई सीगी सर्जरी, नॉर्मल वापस आई है, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारा कुछ सर दे स्किल्स ते डिपेंड किया, क्योंकि जे उन्हां कोल बेस्ट स्किल्स ने ताई ये चीज़ पॉसिबल हुई है, अदरवाइज़ असी तो बिल्कुल टुट ही चुके सीगे कि हुण कुछ भी नहीं हो सकता हैगा। हुण उन्हां दी सिर्फ उन सर करके मैं जे अपनी फैमिली भी कंप्लीट कर सकती हूँ ते अपनी नॉर्मल लाइफ नू भी दोबारा तो कंटिन्यू कर सकती हूँ। एंड मैं बहुत थैंकफुल हाँ सर दे स्टाफ का भी, सारे सर दा स्टाफ सारे बहुत फ्रेंडली सीगे, सानू बिल्कुल भी नहीं इत्थे लग्या कि असी किसी हॉस्पिटल च आए हुए हैं या कुछ है। उन्होंने मेरा सारी तरफ तो बहुत ध्यान रखा, हेल्थ वाइज भी सब कुछ प्रॉपर मैनू मिलता रहा, प्रॉपर गाइडेंस मिलती रही। तो उस तो बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि अज दिवाली तो एक दिन पहला वो मैं डिस्चार्ज कर रहे ने, तो मैं सारे नू यही रेकमेंड करूँगी कि जे किसी नू कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है ये ना सोचो कि ये डॉक्टर पता नहीं ये चीज़ करनगे कि नहीं करनगे। तुसी एक बार जो थोड़ा कुछ भी लगता तो डॉक्टर अमित सूद नाल जरूर कॉन्टैक्ट करो तो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। थैंक यू।